आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। गजन पंडित जी नंदलाल का महान कवि हुए हैं पंडित जी नंदलाल जी। भजन में समझाया के बहुड़े इंसान संसार में दो दिन का जीना है। जब आदमी माँ के गर्भ में होता, माँ के पेट में होता तो वचन भरता है परमात्मा इस गंदगी से छुटकारा दे, मैं तेरा भजन करूंगा। लेकिन यहां मर्त लोक में आके भूल जाता है। तो पंडित जी ने एक भजन के द्वारा क्या दर्शाया, ये रथोड़ी सी जिंदगानी खातरे, ए नर क्या क्या तूफान करे, तेरा एक मिनट का नहीं भरोसा, बरसों का समान करे, थोड़ी सी जिंदगानी खातरे का तूफान करे, एक मिनट का नहीं भरोसा, बरसों का समान, थोड़ी सी जिंदगानी खातरे नरक क्या का तूफान करे, एक मिनट का नहीं भरोसा, बरसों का समान। काया रूपी सराय बीच में, काया रूपी सराय बीच में, अरे भक्ति करने आया तू, धन माया ने देख देख के मा मूर्ख गरबाया तू, अरे कुण बखत कर बनया रे कमेरा, जन और रात कमाया तू, भाई धर्म इतना देला खर्चा, करोड़पति कहलाया तू, अरे जोड़ जोड़ धन इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा कर लिया, भाई ना खावे ना दान करे, एक मिनट का नहीं भरोसा, बरसों का समान, थोड़ी सी जिंदगानी खातरे क्या क्या तूफान करे, एक मिनट का नहीं भरोसा, बरसों का समान करे। थोड़ी सी जिंदगानी खातर नर क्या क्या तूफान करे, तेरा एक मिनट का नहीं भरोसा, तू बरसों का समान कर। चाणे के सूत्र में लिखा है कि धन की तीन गति होती, ना लोगों की सभा पढ़िया हो तो, मैं नहीं कहता चाणे के सूत्र का है, धन हो जा तो के करना चाहिए के तो दान करे, और भाई के बरत है भोग करे उसका ना नष्ट होगा, दे आंगड़ी मारी है ना गल्या ने, क्यों सिकंदर है ना सिकंदर, जब तेरी डोली सजा ली जाएगी बेमुहूर्त से उठा ली जाएगी, दर सिकंदर का ध्यय यहां रह गया, मरते बर लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज ना टाली जाएगी, जब तेरी डोली सजा ली जाएगी। सिकंदर ने 16 साल की एज में आलवरण पर राज कर लिया था, ये उसे 16 साल की उम्र, और लोगो भारत न लूटन की योजना बनाओ था जी, तो उसका मंत्री सलाहकार नु बोलिया भारत ऋषिया की भूमि से महाराज जी इसने छोड़ दे नू, इसने छोड़ दू को नहीं, तो बोलिया एक काम कर लेगा, बोलिया के बोलिया ऋषि बहुत तप है भारत में, तू भारत में बड़े ने, और कोई ऋषि मिल जा प्रकरण सुनियो रागनी तभी बाद आनंद आओगा, कदे कोई नु सोचता हो ने मने दाब रखे है, ये तो इस आजाम मगा दूसरी पिड्डी में तीसरी पिड्डी में पांख लगा देगा, और बड़ी जाइयो बैठे बैठे के वकील और वैद्य खा जाएंगे,
और वो सिकंदर बढ़िया नी इंडिया में जी देख बाबा कालू नाथ वर्गा संत बैठा नुला महाराज नमो महाराज नमो नारायण महाराज नमो नारायण क्या ना खोल था वो कई बार मैं खोली हूं देख यार बहुत गुणी फौज रिसाले यो मानस कटता है क्या भाई नुला कौन से नुला मेरी नमो नारायण कौन ली बोले तू नाम तो बता तेरा कौन है नुला मैं सिकंदर हूं आल वर्ल्ड पर राज कर लिया अरे के करना आया हमारे देश में बोला लूटूंगा बोला लूट की के करेगा नुला मौज करूंगा अरे नुला पागल पीछा तो मौजो है पीछा तो मौज मिल दियो तो धीरू भाई अंबानी नहीं मिले टाटाड़िया नहीं मिले नुला मौज लेनी है ना तो तू भारत में किसे की मां मारेगा किसे की बांधने छीनेगा खून खराबा करेगा मेरा बराबर में बैठे रहा मीचा ले मौज मौज है नुला महाराज ये बात मेरे जचे को नहीं नुला ना जचे तो भाई नमो नारायण हम भी को ना जा इतिहास बताओ है लूट बगाया सबके और आखिरी में सिकंदर ने सोची कदे को एक दो रुपया किसा बारे नहीं गया हो एक करोड़ का ऊंट तैयार करा पहली ऊंट होया कर दे उनका डोड़ा में हीरे मोती जवाहरात लगवा के और करोड़ रुपया का सामा बांध किन और सैनिका ताई दे दिया भाई चुराइया पगामा अंदाजा की किलकी मारो रे एक रुपये में करोड़ का ऊंट मिला है कोई ले लो लेना है तो रुपया किस पा एक मुसलमान का छोरा अपनी माँ के सामने रोने लग गया बोला माँ करोड़ का ऊंट एक रुपया मिला है बोली सिकंदर आ रहा है लूट लिया सबके में एक रुपया कटा तो बोला रोटी को नहीं खाऊ मरूंगा मुसलमान ने गार्डन एक रुपया दे रहा उन्हें सोची छोरा मरेगा वो एक रुपया काट के ले दिया और छोरा तो बाट देखा वो करोड़ का ऊंट कुटा नहीं आओगा और बोली मारी सैनिका ने रहा करोड़ का ऊंट एक रुपये में लो जी बड़े सिकंदर ने नू भी करा खेती उसका एड्रेस ले आइयो और वो करोड़ का ऊंट लेकिन और वो आपका घर ना गए सैनिक गए बोले सिकंदर बोला रहे बोले महाराज आज ले लिया एक जन बोले ठा के लिया उसने ठा लिया एकड़ दिला आ रुपया बोले जी मेरी माँ ले आई थी बोले इसकी माँ ने ठा के लिया उसका मारे जूत नोला जी थोड़ा मन्या को मतलब कबर मत काट के ले आई थी उस सिकंदर ने लोगो सारी कबर खुदवा दी देख लोभ करा ना तो घर को नहीं बस मड़ाती लोभ लिया वो है सारी कबर खुदवा दी रे आखरी में सौ सौ दस्त लागे सिकंदर का डटे कोनी से उस कोठी के बाद बुलाए बोला महाराज बैद जी दस्त कौन डटे नो बोला या इतनी दुआई नहर में बगा दी तो नहर का बंदा लाग जाए इसका बखता लिया एक ताई का बढ़ गया नुला ताई रोटी खांगा बाजरे के रोट आया कर दियो टूट उसने बेरा था सिकंदर है सारी टूम दर की थाली में छालना ढक्की ले दिया नुला ले खा ले भाई उगाड़िया बोला माँ या तो सोना चांदी है तो बोला तो सोना चांदी लुटन आ रहा है ना रोटियां की कमी थी तरह नुला माँ युद्ध बंद हो गया रोटी खुआ दे वो खाली हाथी गए लोगो यो तो गणा तो गणा धर्म करेगा ने तो तीन चार पीढ़ी चाल पड़ेगा आ धर्म नहीं करेगा तो तारा चंदाड़ी बनेगी इस करके मेरा सभी भाइयों से निवेदन है ये संसार है ये मिथ्या है कोई भी काम आपने भी ना रह गया ना तो गलड़े कर लिए लेकिन परमात्मा के वचन भरे थे ना गर्म में उसका भजन नहीं होया न तो नू ये लख चौरासी खत्म हो ही ना बीत कली उपचार गए नाक में दम आ गया हम तो मरते मरते हार गए जय राम भरी जाइयो आई जाइयो जाई जाइयो कोई फायदा को नहीं क्या कहा देखो अरे लोगो पसीने आ रहे रे ठेकरा में कत्ल जम जांदी भी नम नू बैठे रह जाके मानस ताम बैठे नू सारा क्लाइमेट खराब कर दिया इतना तेल बड़ा है पानी कोने बड़दा सारे गले सिर पंगड़ गए नू बैठे रह जा मानस है ना दाड्या के दिन थे एक बुड्ढा मर गया कॉलेज के सारे छड़े लागे न बुड्ढन फूकण लागे न ये वह कपड़ बांस उठी मास्टर बोला प्रिंसिपल बच्चों आज आपकी छुट्टी ओ बेटे छुट्टी होगी ओ बेटे छुट्टी होगी खेलांगे छुट्टी होगी क्यों बालकान तो छुट्टी का नाम लेते डाटा कसाई पड़ा था दूसरे दिन एक और गुड़ गया और उड़ाई फूकण लागे ने फिर कपड़ बांस उठी प्रिंसिपल बोला बच्चों आज आपकी छुट्टी ओ बेटे छुट्टी होगी
बैठ गिंडी खेलेंगे छुट्टी होगी। तीसरा दिन दो कट्ठे मुर्गे और गांव फूकन गया न तो दूनी कपड़ बात छुट्टी। प्रिंसिपल बोला बेटे आज आपकी छुट्टी। ले वही सारे कॉलेज वाले छोरे बाजे ओ बेटे छुट्टी होगी, ओ बेटे छुट्टी होगी। इवासी 90 साल के बूढ़े दो तीन चूतर पोका पी मनु आथा ले जिदो बालक कह रिंकू है ओ रिंकू। बोला के? बोला तीन छुट्टी तो मास्टर ने कर दी दो ये बैठी तो छुट्टी होनी से सबकी। बालक अपने खेलन में खोया, मेरा बालक अपने खेलन में खोया। भाई मिल बच्चा की टोड़ी में चढ़ी जवानी मस्तानी जानू जल लकड़ से ओड़ी में। अरे बूढ़ा हो जा तेरे दादी उखड़ जा सार रह ना बोली मैं सारे गम क्या ने गुंडा लग तो नहीं उठा गेर दे कोड़ी मैं सारे गम क्या ने गुंडा लग उठा गेर दे कोड़ी मैं। मेरा मात पिता बंधु सुनारी मात पिता बंधु सुनारी सब मतलब की पहचान करे एक मिनट का नहीं भरोसा बरसों का सामान थोड़ी सी जिंदगानी खतरे मर का क्या तूफान एक मिनट। सुनिए हमारे आदरणीय सुभाष सरपंच साहब 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और ये 100 रुपए हमारे बड़े भाई 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। बालक पण खेलण में खोया मिल बच्चा की टोड़ी में चढ़ी जवानी मस्तानी जनू जड़ लकड़ से होली में बुढ़ा हो जाए तेरे दांत उखड़ जाए सार रह ना बोली में सारे घर क्या ने बुंडा लागे उठा गेर दी पौड़ी में। मात पिता बंधु सुतनारी मत बल्कि पहचान करे 1 करोड़ की कोठी बना दे बुढ़ा आदमी ने गंडा संठोड़ को नहीं मिले बेतर तक खाट सरगदी सरगदी गाल में आ जाएगी भीतर भीतर आस है तू करे है। भाई सब में बननी है अरे माँ बहन भी बैठी से कदे सोच दियो सासू ससुर की सेवा नहीं करे मारी हो जाएगी बाट देखने की जरूरत को नहीं सही कहे है। ये नू जाना है ना जवानी इन मारी है जवानी जनू बेरा इन में भी आई थी तो फिर तो आगड़ लाग गया। दे मैं बताऊं दे तेरे में के बन रही है मैं बता दूंगा। एक जाट के 4 बेटे 2 पहली बह दिए 2 पक्ष और वो पक्ष पक्ष आई थी नुलाए बतेरी मेरा ससुरा कौन दिखे ये ससुर का किसा रेस्ट हाउस था गांव तो बाहर ने खाट गिर रखी उड़े मह तो गांव उतर मह भैंस मुत जई चिचड़ माछर कि मैं बुढ़ापा निन्ने बसकोड़ा मारे ऐ निन्ने मारे अरे 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 क्यों सब किम्बेरी हो जाए सारे फल पाक्या बस मीठे हो जाए अरे वो बुढ़ापा खारा हो जाए जो बर्डी नू लिया जा मैं दिखाऊं तेरा सुसरा कड़े है वो आग आग वो गल गल जिद वो नोरम बड़ी ने नू लिया है यू नू क्यों करे है नूली के मैं दुख है दूसरी नू बोली यू नू ये भूख है तीसरी नू बोली माई न जिद का कुक है अरे बात चौथी नूली घर ने क्यों चालो नु बुडलिया के दारा का सूख है नू बन रही सने। अरे और तो लोग और आन दो बुढ़ापम तो पत्नी भी साथ को देने मह पड़ेगी कोई यहां बतवा लिए दे बामण ने तीसरी कलीम के कही है
जिस घोड़ी पे तू चढ़िया कर था, जिस घोड़ी पे चढ़िया कर था, वा घोड़ी जागी नाटे तेरी तेरी आते के प्रेम बावड़े, वा जोड़ी जागी पाट तेरी, अरे घर कुल पैकेर कट्ठे हो जा तोड़ी जागी खाटे तेरी, फिर गेर चिता में लापा लाजे थोड़ी जागी खाटे तेरी, गेर चिता में लापा लाजे थोड़ी जागी टाट तेरी, गेर चिता में लापा लाजे थोड़ी जागी टाट तेरी। डोक बेर है जना डोक, जमींदार का काम था, हड़ा हड़बा की शाम ना आया, नोलिया पानी लाइए, बोली आग लागे छे तेरे पहले पीने पहले पीने पांडे मत। इब उसका भी पुरानी थी हाथ में, दे कड़ाकड़ नीचे तला गया था, अड़ता ही छांग लाया। इब आई इनका तो बेराय से नाराज हो जाएंगे, ये तो माड़ी सी नाराज हो जाने, तो जोड़ा काख मर इबाड़े की भी जरूरत को नहीं, डोका लावे था। पांच चार साढ़े पांच चार दिन तो बाट देखी चौधरी साहब ने कहा को नहीं काली मानगी और लाल कर रखे सारे भाई, अग भाई को सूती मारी है रे, और वो केले के लिए की दर्जन रुप गया, और वो खोटड़िया साड़ा बैठा नू बोला राजी आ गया। अब मुर्री बट्टे डावड़े जी एक समझदार था, बोले नू नहीं भाई बट्टे उगे जायत नहीं लिया, अगर बैठे में बिठाओ नूला जिद्दा संभारांगे के बात, बोले मारी बाण का इतनी मारे अगर नूला एक काम कर लियो जान तो मार दियो तेरी बाण न सामी बिठा की गलती काट दियो। एक जना नूला भाई सही कहे, बोले बे बे आओ को नहीं खींच लिया मोटा गढ़ गढ़ बोले बैठी बता बे बे क्या गलती थी, बोल रहा को नहीं बांदर से रूझ रही, ये बोले बोल रहा को नहीं काटन जोगी, बोले जीजा तू ही बता दे याद को नहीं बताओ है, बोले बताऊ मारी लड़ाई के थी, बोले हाँ बोले इसने नू पूछो पेंडा दूर का डोका, नूला पंडा दूर डोका या तो न्यारी लड़ाई से तारी, अरे नूला मैं खेत में आया था पानी मंगया इसने दिया को मैं मारी पुरानी या डोक बाजी आई पंडा मत पानी दे दिया रोड़ा इनको नहीं हुआ। लेकिन लोगो देख रहे बोलना सब ने को नहीं आवे, एक जाट कर दूसरे जाट का मिशामी करे, और मारी भाई दो अन्य की आमदनी होने चौधरी साहब तो बाद खा ले कि भाई आमदनी कम हो तो गाट भी खा ले। इब दूसरे के गराड़ी का सूबेदार थर भोज में मर रहा छह रुपये मिल रही 17-80 लाख, अर निर्रे लिया मटी अर खाखा की ढेर मार दी रो वो बोदड़िए थे, बोले मादी थी नरा माल खा है वह गई आए गिंदोड़ी इसी क्या आमदनी से बर मर जानी तार निराए फल खाओ। ए बेबे बोली आमदनी कैसे, तेरा जेठ सूबेदार था वो भोज में मर गया था, 17-80 लाख रुपये मिल गए, 50,000 रुपये पेंशन मिले है, जिदे कहे बेरा है नूली तारी तो भगवान ने खूब सुनी मारी किरा कर सुनेगा। अरे जिस घोड़ी पर तू चढ़िया कर था, जिस घोड़ी पर चढ़िया कर था, वा घोड़ी दागी नाटे तेरी तेरी आते के प्रेम बावड़े, जोड़ी दागी पाट तेरी, हर घर कुल पैके रह कट्ठे हो जा तोड़ी दागी खाटे तेरी, फिर घेर चिता में लापा लाजे थोड़ी दागी पाट तेरी, घेर चिता में लापा लाजे थोड़ी दागी। रति मुंह पर तेरे गए हजार से, अरे क्यों ना इस बार गुण गान करे, तेरा एक मिनट का नहीं भरोसा, बसों का सामान थोड़ी सी जदबाजी खतरे, धरना का तो मान करे, एक मिनट का नहीं भरोसा। Thank you.
पड़े वीर चले गए, जो नर हो डोल्या कर दे। ले भाई लोगो, रागनी का आखिरी कली है, ध्यान करना। सांस सांस में राम भज बिरथा सांस मत खो, पता नहीं सांस का आओ नोकना हो। ये नंदलाल ने बड़े बड़े भी चले गए, जो निर्भय हो डोल्या करते। कितने बड़े बड़े चले गए, राजा बलि का अहंकार हो गया कि तेरे से बड़ा कोई दानी नहीं है। भगवान ने पता चलिया न आत्म बांस की जटीर बावना बनके नोले, महाराज तेरी जय हो। राजा बाजाया, मांगो महाराज क्या मांगना चाहते हो? बोला तीन टंग जमीन। उसने सोचे को डूम आ रहा है, नु कौन बेरा त्रिलोकी का नाथ आ रहा है। नुला महाराज तीन टंग जमीन मांगी, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरे राज में उगे है, मेरे में छपा है। नुला रे तीन टंग दे दे, साढ़े तीन हाथ का तो शरीर हो से। सजनो रघु कुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाए प्रवचन हिगाई। नुला महाराज हाँ नापो, भगवान ने एक डंग में पूरी सृष्टि को नाप दिया, और दूसरी डंग में पूरे आसमान को नाप दिया, और तीसरा डंग छाती पर टेक दी। ओ राजा बोली, एक तीन डंग का सौदा होया था भाई, एक डंग और दे, भगवान का बार को नहीं क्या पताल लोक में चल गए। ध्यान करियो भाई, हिंदू बैठे हो, ब्राह्मण पर पतला दिखाने जावा, छोरी ब्याहूंगा ब्राह्मण का चार बिन्ने दे सोते हैं, बाद में करिए। क्यों सोते हैं दे? कारण के है, भगवान राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए बडलिया नोमिन गए थे, और बडलिया नोमिन ये भगवान ने पताल लोक में चाल गए। क्या का डीजे बाजे था भाई, देवठनी ग्यारस ने लिकड़े चार बिन्ने हो गए, इसीलिए हिंदू साहब ही नहीं करता चार बिन्ने। उस समय से परंपरा पड़ी हुई है, इतने बड़े बड़े गए से क्या कहा। बड़े बड़े वीर चले गए, बड़े बड़े चले गए, जो निर्भय हो डोल्या करते। तेरा के उन्मान बावड़े धरती ने डोल्या करते, दादा शंकर दास हुए जो गुड अर्थ खोल्या करते। नंदलाल कह पिता के सुनाम जी राम नाम बोला करते, अरे भव सागर ते वो पार तार दे, भव सागर ते पार तार के, जय कृपा श्री भगवान करे। तो